बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेज अनिल इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारे पास टेक्स्ट है वेटिंग फॉर गॉडो का, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम वेटिंग फॉर गॉडो को तकरीबन दो और वीडियोस करके तो इसको फिनिश कर दें, एक आज का और एक नेक्स्ट। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको कम्प्लीट करती जाऊँ। और इससे पहले हम डिटेल्स जानते हैं कि ये सैमुअल बार्कले बेकेट का लिखा हुआ प्ले है, और इन्होंने अपने हाथों से इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है, अपने वर्जन में इसको किया है। इस वजह से हमें इसके जहाँ भी जाएंगे एक ही वर्जन इंग्लिश का मिलता है, लेकिन वो जो राइटर जिनके बजाते खुद ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं, डिफरेंट क्रिटिक्स और राइटर ट्रांसलेट करते हैं, तो फिर वो उनकी इंग्लिश में फ़र्क आ जाता है। जैसे हम हेडा का टेक्स्ट देख रहे हैं तो वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट है। अब हम जानते हैं कि ये नोबल प्राइज़ याफ्ता है राइटर, और ये इनका काम जो है ये वेटिंग फॉर गॉडो, ये बहुत ज़बरदस्त हिट रहा है और यही हमारे सिलेबस में शामिल भी है। इसको आगे डिस्कस करते हुए निकलते हैं। तो दोनों दोस्त दूसरे एक्ट में भी सेम ही काम कर रहे हैं, और हमने देखा कि ये अभी भी गॉडो का ही इंतज़ार करने यहाँ आए हैं, और अचानक स्ट्रगोन कहीं गया था तो उसे महसूस हुआ वहाँ से कोई शख्स आ रहा है। लेकिन अब देखना हमने ये है कि ये पोजो एंड लकी को ही देख कर आया था, लेकिन वो कितनी देर के बाद आते हैं। अभी ये चेकिंग कर रहे थे इधर उधर, तो ये आके पीछे से एक दूसरे से टकरा गए, व्लादिमीर और एस्ट्रागन। जो ही साइमन टेन्स ली एक दूसरे से टकराते हैं, कहते डू यू आप जनाब, कहता है व्लादिमीर, ओ वार्डन माफ़ी चाहता हूँ एस्ट्रागन, कैरी ऑन। नहीं नहीं, बोले बोले आप बोलें जनाब। कहता नो आफ्टर यू, नहीं नहीं पहले आप बोलें, आपके बाद बोलूँगा। व्लादिमीर, आई इंटरप्टेड यू, मैंने आपको इंटरप्ट किया था जनाब, इस वजह से आप पहले बोले। ये वो जो पहले आप में ट्रेन नहीं निकल जाती, ये वो वाला सीन बनाने की कोशिश की है सैमुअल बेकेट ने। कहता आई इंटरप्टेड यू, मैंने आपको दखल अंदाजी की थी। व्लादिमीर कहता ऑन द कॉन्ट्ररी, नहीं नहीं इसके बरक्स जनाब, मैंने इधर मुदाहलत की है। दे ग्लेयर एट ईच अदर एंगरली, दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं एंड गालियाँ देने लग जाते हैं। अब ये जो गालियाँ हैं ये भी लोगों की हैसियत और रवैये के एतबार से बदलती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कौन कर रहा है, स्टार्टिंग व्लादिमीर से हो रही है, व्लादिमीर उसे कर रहा है। सेरेमोनियस ऐप बगैर दुम वाले बंदर, आला नस्ल के इंसानी गुड़ीले, और एस्ट्रागोन कह रहा है उसे आगे से पंक्चुअलियस पिग, यानी बड़े पाबंद तुम पिग हो, तुम पाबंद पिग हो। रोज़ाना जो आ जाती हैं इधर इंतज़ार करने के लिए, तो वो पंक्चुअल्स है, पंक्चुअलियस है। व्लादिमीर, फिनिश योर फ्रेज, आई टेल यू, बात पूरी कर लो ना फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। कहता फिनिश योर ओन, अपने आप को ही ख़त्म कर लो। हाँ तुम, एस्ट्रागोन की बात ऐसी ही होती है कि वह बात के अंदर से बात कर जाता है, साइलेंस हो जाती है। दे ड्रो क्लोजर हॉल, जो एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर रुक जाते हैं। व्लादिमीर उसे कहता है मरोन, बदतमीज कहीं के इडियट। एस्ट्रागोन कहता है डेट्स आइडिया, लेट्स अब्यूज ईच अदर, चलो आओ ना एक दूसरे को गाल कहीं बकते हैं। दे टर्न मूव अपार्ट, वो मुड़ते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टर्न अगेन एंड फेस ईच अदर, दोबारा मुड़ते हैं और एक दूसरे की तरफ मुंह कर लेते हैं। व्लादिमीर मरोन बदतमीज, अब ये एक दूसरे को गालियाँ देने लगे हैं। एस्ट्रागोन वर्मिन, वर्मिन छोटे से कीड़े, वो जो कीड़े नहीं होते जो फसलों वगैरह में पेस्टिसाइड्स हो जाती है, पेस्ट्स आ जाती हैं उससे, वो वाला कीड़े कह रहा है। एब्रिशन गलीसरी मखलूक, गलीसरी हड्डियाँ, बिगड़ी हुई मखलूक हो तुम। एस्ट्रागोन मॉर्फियम तुम जोकर हो, तुम एक सर्कस में काम करने वाले जोकर हो। व्लादिमीर स्वियर रैट, तुम गटर के चूहे हो। एंड एस्ट्रागोन उसे कह रहा है क्यूरेट के जनाब, आप तो एक प्रीस्ट हैं, एक पादरी हैं, अगर मैं गटर का चूहा हूँ तो आप पादरी हैं। व्लादिमीर स्वीट है, बेवकूफ आदमी जिसमें कोई अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बातें जो भूल जाता है। एस्ट्रागोन विद फिनालिटी उसे पूरे जो है ना जोश के साथ कहता है क्रिटिक, तुम एक नकाद हो, क्यों उसमें से कीड़े निकाल रहे हैं ना वो। तो कहता है तुम क्रिटिक हो, साथ में हमें पता लगा कि सैमुअल बेकेट ने भी क्रिटिक्स पर तक तनकीद कर डाली। आदमी कहता ओ ही विल्स, अब क्या करता है, मुरझा सा जाता है। वैनक्विश्ड एंड टर्न्स अवे, मुरझाने के बाद कुछ गायब हो जाता है।
दूसरी तरफ चला जाता है, अफसुर्दा हो जाता है, पीछे हट जाता है। यानी एस्ट्रागोन को क्रिटिक्स वाली बात पसंद नहीं आई, नकाद वाली। एस्ट्रागोन, नाउ लेट्स मेक इट अप, चलो आओ दोस्ती कर ले। व्लादिमीर, गोगो, एस्ट्रागोन, दीदी, ये इन दोनों के निक नेम्स हैं, गोगो एंड दीदी। व्लादिमीर, योर हैंड, तुम्हारा हाथ, अपना हाथ दो। एस्ट्रागोन, टेक इट, ये लो ले लो। व्लादिमीर, कम टू माई आर्म्स, योर आर्म्स। अब ये थोड़ा सा रोमांटिक सीन बना रहे हैं। व्लादिमीर, माई ब्रेस्ट, आके मेरे गले लग जाओ। लड़का लड़की की तरह गले लग जाते हैं। ऑफ वी गो, जनाब खत्म हो गया, अब हम अलग हो रहे हैं। ऑफ वी गो, दी एम्बेरस, गले मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। दे सेपरेट, साइलेंस छा जाती है। व्लादिमीर, हाउ टाइम्स फ्लाई वन हैज़ फन, कैसे वक्त गुजरता है जब हम खुश होते हैं। साइलेंस, और ये वाकई सच्ची बात है कि जब हम अच्छे वक्त में होते हैं तो वो वाकई फ्लाइज कर जाता है और हमें पता नहीं चलता उसके गुजरने का। एस्ट्रागोन, व्हाट डू वी डू नाउ। एस्ट्रागोन का वही क्वेश्चन जो ये काफ़ी मरतबा कर चुका है कि अब मैं क्या करूँ। व्लादिमीर, व्हाइल वेटिंग, इंतजार करते हुए। एस्ट्रागोन, व्हाइल वेटिंग, हाँ बाबा, इंतजार करते हुए। साइलेंस, चुप कर जाते हैं। व्लादिमीर, वी डू एक्सरसाइजेस, चलो आओ वर्जिश कर लेते हैं। अब यहाँ ये योगा के पोजेस बनाने वाले हैं, और ये योगा उस जमाने में इतनी मशहूर नहीं थी इंग्लिश कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्री में, लेकिन ये यूरोपियन से पहले आ चुकी थी नेपाल वगैरह के एरिया में, और वहाँ पर ये ज़्यादा चलती थी। तो सेम्यूल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे पैराडाइज लोस्ट में हम देखते हैं ना कि पैराडाइज लोस्ट में उसने वो गलीलियो गलीली की टेलीस्कोप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ अशार उसके लिए कह दिए थे। ऐसे इसने कह दिया, जनाब एक्सरसाइज करते हैं। एस्ट्रागन, आवर मूवमेंट्स, हम अपनी हरकत करें, कुछ हिले जुले इधर उधर। व्लादिमीर, आवर एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है कि हम अपने बुलंद हरकत करें, एलिवेशन करें, एलिवेशन के जरिए ऊपर नीचे के हरकत करें, जैसे हम कभी हाथ ऊपर उठाएं कभी हाथ नीचे करें। एस्ट्रागन, आवर रिलैक्सेशन, एस्ट्रागन को तो सुकून चाहिए ना, हमारे सुकून वाले पोस्चर्स बनाते हैं। व्लादिमीर, आवर एलोंगेशन, हमारे जो पोजेस लंबाई की तरफ खींचने वाले हैं ना, अपना सांस ऊपर को खींचे, हाथ ऊपर को खींचे, ऐसे पोजेस बनाते हैं। एस्ट्रागोन का वही प्रॉब्लम है, और रिलैक्सेशन, सुकून वाले पोज बनाते हैं। व्लादिमीर, टू वार्म अप, अब चलो इससे हम जरा वार्म अप हो जाएंगे। एस्ट्रागोन, टू क्लेम अस डाउन, और फिर हम अपना टेम्परेचर नीचे ले आएंगे। ये नेचर है कि इंसान योगा के लिए पहले अपना वार्म अप बॉडी करता है, उसको रेडी करने के लिए, और फिर अपनी ब्रीथिंग करता है, और ये हेल्थी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। व्लादिमीर हॉप्स फ्रॉम 1 फुट, अब 1 फुट पे वो हॉप करता है, एक टांग पे उछलता है टू अदर, और एक से दूसरी पे उछलता है। एस्ट्रागोन इमीडिएट सी में, एस्ट्रागोन भी वैसे ही करता है। एस्ट्रागोन स्टॉपिंग, चुप कर जाता है। दैट्स एनफ, आई एम टायर्ड, काफ़ी हो गया, थक गया हूँ मैं। वो एक दफ़ा ऐसे हरकत करने से, एक पाँव से दूसरे पाँव पर जंप और हॉप करने से कहता है मैं थक गया हूँ। व्लादिमीर स्टॉपिंग, रुक जाता है। वी आर नॉट इन फॉर्म, हम अभी ना सही फॉर्म में नहीं आए हैं, अभी हमें जो पता है ना, हमें गुड शक्ल और सूरत लेनी है, यानी अभी हमने वार्म अप होना है, अपने आपको रेडी करना है। हाँ, व्हाट अबाउट अ लिटिल डीप ब्रीथ, चलो लंबे लंबे सांस ही खींच लेते हैं। आई एम टायर्ड ब्रीथिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मैं थक गया हूँ सांस ले लेके। व्लादिमीर के बाद एस्ट्रागन की ऐसी लाइनें ही आती हैं जो इसकी डिस्प्ले में हिडन मीनिंग्स रखती हैं। कहता मैं थक गया हूँ सांस ले लेके। व्लादिमीर, यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो, पॉज, लेट्स जस्ट डू द ट्री फॉर द बैलेंस। कहते हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कह सांस ले लेके मैं भी थक गया हूँ, कि वो तो कहना ना मैं लंबे लंबे सांस लेके थक गया हूँ, लेकिन उसने हिडन मीनिंग से बता दिया कि हम सांस ले लेके थक चुके हैं, काम कोई नहीं करते। कहते चलो ट्री के पोज बना लेते हैं। एस्ट्रागन, द ट्री, व्लादिमीर डज द ट्री, वो ट्री बन जाता है स्टैगरिंग, फिर लड़खड़ाता है अबाउट ऑन वन लेग, एक टांग खड़ी कर लेता है, एक टांग पे दूसरी पाँव का घुटने तक लगा लेता है, और ऐसे ट्री का पोज बना लेता है, फिर स्टैगर्स हो जाता है, लड़खड़ा जाता है, उसका बैलेंस कायम नहीं रहता ना, मतवाजन कायम, तवाजन नहीं कायम रख पाता। जब वो लड़खड़ाता है और दूसरी लेग पर आने के लिए, तो व्लादिमीर स्टॉपिंग योर टर्म, व्लादिमीर अब उससे कह रहा है कि मैंने तो बैलेंस कर लिया ना, वो जस्ट फॉर द बैलेंस। कहते ट्री का बैलेंस करें, व्लादिमीर भी लड़खड़ा के ना, तो फिर वो रुक जाता है फटाफट, कहता चलो तुम्हारी बारी। एस्ट्रागन डज द ट्री एंड स्टेगर्स, वो भी बनता है और लड़खड़ा जाता है। एस्ट्रागन, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, गॉड सीज मी, कि ये गॉड मुझे देख रहा है। व्लादिमीर, यू मस्ट क्लोज योर आइज, कहता अपनी आइज क्लोज करो, मेडिटेशन करो। जब हमें ऐसा चाहिए कि हम अपने कोई काम कर रहे हैं और पूरे जहन से और तवज्जो से करना चाहते हैं, तो हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, ज्ञान करना पड़ता है,
सोचो, कहता है आंखें बंद करके सोचो तो तुम्हें ये सब महसूस होगा। यू मस्ट क्लोज योर आइज। एस्ट्राखन क्लोज हिज आइज, स्ट्रगल्स वर्स। वो क्लोज करते हैं आंखें और बुरी तरह लड़खड़ा जाता है। एस्ट्राखन स्टॉपिंग, रुक रहा होता है। ब्रिटिशिंग हिज फेस, वो रुकता है और अपने मुक्के लहराना शुरू कर देता है। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और अपनी ऊंची आवाज में कहता है, गॉड हैव पिटी ऑन मी। यानी उसने जरा सी आंखें बंद की है ना, तो फौरन से पहले उसे कोई डरावना सा झटका नजर आ गया, कोई ख्वाब नजर आ गया, फौरन से पहले उसने मुक्के लहराना शुरू कर दिया। कहता है, मुझ पर खुदा रहम करे। व्लादिमीर वेक्स्ड, परेशान हो जाता है, एंड मी, और मुझ पर भी खुदा रहम करे। यानी अब वो अकेला अपने लिए दुआ मांग रहा है कि ये नहीं कह रहा पिटी ऑन अस, हम दोनों पर रहम करे। एस्ट्राखन, ऑन मी पिटी, ऑन मी, मुझ पर रहम करे। एंटर पोजो एंड लकी, जल्दी से पोजो एंड लकी आ जाते हैं जनाब। अब उनकी एंट्रेंस हो गई है। लकी बर्डन एज बिफोर, वैसे उसने बोझ उठाया हुआ है। रोप एज बिफोर, रस्सी भी वैसे ही है, बट मच शॉर्टर, लेकिन अब ज़्यादा छोटी हो गई है। सो डैट पोजो में फॉलो मोर इजिली, लिहाजा पोजो से ज़्यादा आसानी से उसकी पैरवी कर सके, उसको फॉलो कर सके। रस्सी छोटी हो गई क्योंकि अब पोजो हमने देखना है ब्लाइंड हो चुका है, और लकी जो है वो मे भी बोल सकता है, लेकिन वो अपने मालिक के जुबान तो वैसे पहले भी नहीं खोलता था, जब तक वो नहीं कहता था कि बोलो। तो वो पोजो को शो कर रहे हैं कि लकी है, पोजो गुंगा है, और लकी जो है वो पोजो अंधा है और लकी गुंगा है। बट मच शॉर्टर हो गई है, सो डैट पोजो मे फॉलो इजिली लकी वेयरिंग अ डिफरेंट हैट। अब उसके पास दूसरा हैट आ गया, क्योंकि लकी का हैट तो व्लादिमीर के पास आ गया। हमने देखा व्लादिमीर और एस्ट्राखन दोनों खेलते खेलते, उन्होंने अपना, व्लादिमीर ने हैट फेंका और लकी का ले लिया था। एट द साइट ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्राखन ही स्टॉप्स शॉर्ट। अब वो चूंकि लकी आगे है व्लादिमीर के, व्लादिमीर पर उसकी नजर पड़ गई, एस्ट्राखन पर नजर पड़ गई, पोजो पीछे है, तो वो रुक के ना उनको एक नजर देखने लग जाता है। पोजो कंटिन्यूइंग ऑन हिज वे, लेकिन पोजो तो अपने रास्ते पर चल रहा था, अंधा था ना, उसे पता नहीं चला। बम्प्स इनटू हिम, उसके अंदर टकरा जाता है और धराम से गिर जाते हैं सारे। व्लादिमीर गोगो, पोजो खचिंग्स ऑन लकी हु स्ट्रगर्स। अब उसको क्लचिंग्स करता है, उसको एकदम से जकड़ने की कोशिश करता है, तो वो भी लड़खड़ा उठता है क्योंकि वो तो अपने तवाजन में नहीं होता। व्हाट इज इट, हु इज इट, ये क्या है, ये कौन है, जैसे अंधे अक्सर बोलते हैं। लकी फॉल्स, गिरता है, ड्रॉप्स एवरीथिंग एंड ब्रिंग्स डाउन पोजो विद हिम, और वो गिरता है, चीजें भी गिराता है और पोजो के अपने साथ खींच के नीचे ले जाता है। दे लाई हेल्पलेस, लेट जाते हैं जनाब बेचारों मददगार। एमंग द स्कैटर्ड बैगेज, वो जो बिखरा पड़ा सामान होता है उसके दरमियान में गिर पड़ जाते हैं। एस्ट्राखन, इज इट गोडो, क्या ये गोडो है। एस्ट्राखन का वही सेम वैसा ही एक्शन जैसे उसने लास्ट टाइम कहा था कि क्या ये गोडो है। व्लादिमीर एट लास्ट ही गोज टूवर्ड्स द हीप, कहता है वो शुक्र है आ गया गोडो, लेकिन जब ढेर के पास जाता है, रीइंफोर्समेंट एट लास्ट, वो कहता है अब उसको पूरी उम्मीद है कि ये आ चुके हैं हमारे पास गोडो, तो वो कहता है भाई मदद आ गई, रीइंफोर्समेंट, मदद आहनी आ गई हमारे पास। पोजो हेल्प, पोजो ने जो ही हेल्प कहा है, एस्ट्राखन इज इट गोडो, क्या ये गोडो है। अब क्वेश्चन ये है कि वो गोडो अगर है तो ये तो बजाते खुद हेल्प के लिए तरस रहा है कि भाई मेरी कोई मदद कर दे आगे, तो वो इनकी मदद कैसे करेगा। यानी अपनी मदद आप करेंगे तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, किसी की उम्मीद भी नहीं बैठ सकते। यहाँ ये बताना चाह रहा है कि वो उसका इंसिस्ट ये कि क्या ये गोडो, और वो मदद मांगने लगा हुआ। व्लादिमीर वो यू आर बिगनिंग टू वेकम, वी आर बिगनिंग टू वेकम। अब वो व्लादिमीर चूंकि उसके पास गया है, उस ढेर के पास जाकर उसने देखा है, और फिर जाकर उसे देख के उसने कहा कि हम अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गए हैं। नाउ वी आर श्योर टू सी द इवनिंग आउट, अब हमारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, हम बड़े कमज़ोर हो रहे थे, हमारी मदद आ पहुँची है, अब हमारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक उसने उसका चेहरा नहीं देखा है, और जल्दी ही अब शाम हो जाएगी। पोजो हेल्प एस्ट्राखन, डू यू हेयर हिम, क्या तुम इसे सुन सकते हो, ये क्या कह रहा है। व्लादिमीर, वी आर नो लॉन्गर अलोन, अब हम अकेले नहीं हैं। वेटिंग फॉर द नाइट, इस रात में, वेटिंग फॉर गोडो, गोडो के इंतजार में, वेटिंग फॉर वेडिंग, इंतजार के इंतजार में, ऑल इवनिंग वी हैव स्ट्रगल्ड, सारी ही रात, ये शाम हमने तो जद्दोजहद की है, अनअसिस्टेड, बगैर किसी मदद के। अब व्लादिमीर उसका चेहरा देख चुका है शायद। नाउ इट्स ओवर, अब पूरा आ गया, इट्स ऑलरेडी टुमारो, अब आने वाली कल है जनाब, पहले से कल हो गया। पोजो हेल्प व्लादिमीर, टाइम फ्लोज अगेन ऑलरेडी, अब दोबारा वक्त ऐसे ही बह जाएगा, जल्दी चला जाएगा, सन विल सेट, सूरज भी जल्दी डूब जाएगा, द मून राइज, और चांद निकल आएगा, एंड वी अवे फ्रॉम हियर, हम यहाँ से चले जाएंगे। उसकी बात नहीं सुन रहा, अपनी ही बातें, अपने ही फलसफे आना डिस्कस करने लगा हुआ पोजो। पिटी, तरस खाओ व्लादिमीर,
पुअर पोजो, व्लादिमीर ने उसे देख लिया। अगर आए हाय बेचारा पोजो। एस्ट्रागन, आई न्यू इट वॉज हिम, मैं जानता था ये वही है। व्लादिमीर हु? कौन? एस्ट्रागन, गोडो, गोडो है ना ये व्लादिमीर, बट इट इज नॉट गोडो, लेकिन ये गोडो नहीं है। एस्ट्रागन, इट्स नॉट गोडो, क्या ये गोडो नहीं है? इट्स नॉट गोडो, ये गोडो नहीं है। ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन का हमने बताना है कि इस प्ले में बार बार रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस हुई हैं। एस्ट्रागन, देन हु इज इट, कौन है ये? इट्स पोजो, ये पोजो है। पोजो आगे से बोल रहा है, हियर हियर हियर, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मैं यहाँ गिरा पड़ा हूँ। व्लादिमीर, ही कैन गेट अप, उठ नहीं सकता है। अब ये हमारे वो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिन्हों हमने जिन्हें कोटेशन के तौर पर यूज़ करना है। एस्ट्रागन, लेट्स गो, चलो चलें। व्लादिमीर, वी कैंट, हम नहीं जा सकते। एस्ट्रागन, वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकते? व्लादिमीर, वी आर वेटिंग फॉर गॉड। एस्ट्रागन, ये हमारी वो लाइन है जो बार बार इस ड्रामा में यूज़ हुई हैं, और ये हमें बताती हैं कि एस्ट्रागन बार बार भूल जाता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद कराता है कि हम इन वेटिंग कर रहे हैं, और ये कोटेशन हमने ऐड करनी है। व्लादिमीर, परहैप्स ही हैज अनदर बोन फॉर यू, कहता है शायद तुम्हारे लिए कोई एक और हड्डी लेके आ जाएगा, हम मदद कर देते हैं इसकी। यानी एस्ट्रागन, बोन, हड्डियाँ है, हड्डी वो? व्लादिमीर, चिकन, चिकन वन, डू यू नॉट रिमेम्बर, याद नहीं है? इट वॉज हिम, ओ ये था वो। व्लादिमीर, यस, यही था वो। एस्ट्रागन, आस्क हिम, अब पूछो ना, एस्ट्रागन तो पहले लालची है, पूछो कोई और हड्डियाँ देता है मुझे। व्लादिमीर, परहैप्स ही शुड हेल्प, वी शुड हेल्प हिम फर्स्ट, पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एस्ट्रागन, टू डू व्हाट, क्या करने में उसकी मदद करें? व्लादिमीर, टू गेट अप, उसको उठाने में मदद करते हैं। एस्ट्रागन, ही कैन गेट अप, उठ नहीं सकता। ही वांट्स टू गेट अप, वो चाहता है कि उसे उठाया जाए। व्लादिमीर, देन लेट हिम गेट अप, तो चलो रहने दो, उठे खुद ही, अगर वो चाहता ना कि वो उठे तो फिर उठे। ही कैंट, लेकिन वो नहीं उठ सकता। एस्ट्रागन, वाई नॉट, क्यों नहीं उठ सकता? व्लादिमीर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पोजो रिड्स, ग्रोन्स, बीट्स द ग्राउंड विद हिज फीट्स। अब पोजो जो है वो परेशान हो जाता है कि ये अपने ही गप्पस्तान में लगे हुए हैं, मेरी मदद कर नहीं रहे। वो बहुत ज़्यादा झिंझोड़ता है अपने आप को, और एक किस्म का मारता है अपने पैरों के साथ ज़मीन को, ज़मीन पटकता है, और विट्स करता है, भरभराता है, आहो बक्का भी करता है, पाँव भी ज़ोर ज़ोर से मारता है कि शायद ये मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मेरी आवाज़ शायद इतनी नहीं है कि ये मुझे देख रहे हैं। ये एक किस्म की कॉमेडी में हमें ब्लैक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, वो कॉमेडी अपनी करने लगे हुए हैं, और वो अपनी वो मुसीबत में पड़ा हुआ है। इन सब के अनसर जो है ना, वो अनासर नज़र आते हैं। एस्ट्रागन, वी शुड आस्क हिम फॉर द बोन्स फर्स्ट, चलो पहले इससे पूछते हैं, इसके बाद हड्डियाँ हैं, ब्लैक मेलिंग होने लगी है। देन इफ ही रिफ्यूज, अगर वो इंतजार कर देता है, वी विल लीव हिम हियर, तो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। दफा मारो, फिर मदद करने का क्या फ़ायदा जब तक ये हमें इसके बदले में कोई फ़ायदा नहीं देगा। व्लादिमीर, यू मीन वी हैव हिम एट और मर्सी, तुम जानते हो कि हम रहम के बदले में इससे कुछ ले, उससे कुछ ले अपनी मर्सी के बदले में? एस्ट्रागन, यस हाँ ले, क्यों क्यों ना ले। व्लादिमीर, एंड डैट वी शुड सबॉर्डिनेट अवर गुड ऑफिसेस टू सर्टन कंडीशंस, क्या हमें अपनी जो गुड ऑफिसेस हैं, हमारी जो खिदमात हैं, वो हमें इन चंद शराइत पर इसे देनी चाहिए? हाँ एस्ट्रागन, व्हाट, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या ख्याल है, कौन कौन सी शराइत रखें? चलो कुछ रख लेते हैं। व्लादिमीर, एंड डैट वी शुड सबॉर्डिनेट अवर गुड ऑफिसेस टू सर्टन कंडीशंस, कुछ शराइत रखते हैं, क्या कौन सी शराइत? व्लादिमीर, डैट सीम्स इंटेलिजेंट ऑल राइट, बट देयर इज वन थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ, कहते हैं बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं कि कुछ शराइत और कंडीशंस पे हम इसकी मदद करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ से खौफ ज़दा हूँ। पोजो, हेल्प, मेरी मदद करो। एस्ट्रागन, व्हाट, हाँ किस चीज़ से खौफ ज़दा? बोला तो मेरी डैट लकी माइट गेट गोइंग ऑल ऑफ अस डन, ऐसा ना हो कि कहीं उसका नौकर, उसका जो स्लेव है लकी, फटाफट खड़ा हो जाए, देन वो वुड बी ब्लॉक्ड, लेकिन फिर क्या होगा अगर वो लकी एक दफा एकदम से खड़ा हो जाएगा, और वही वुड बी, हम हो जाएंगे ब्लॉक्ड, मारे जाएंगे हम तो लकी के हाथों ही मारे जाएंगे अगर ये पोजो भी खड़ा, लकी आए, लकी आके पोजो की मदद करते और दोनों खड़े हो गए तो हम हमारी ठुकाई कर देंगे भाई, हमें जी तो वो शर्तें रह जाएंगी बीच में, होप है उसे। एस्ट्रागन, लकी, ए लकी कौन है? व्लादिमीर, द वन डैट वेंट फॉर यू यस्टरडे, ये उसको बताना चाह रहा है कि वही वेंट फॉर यू जिसने तुम पर हमला किया था कल। एस्ट्रागन, आई टेल यू देयर वाज 10 ऑफ देम, मैंने तुम्हें बताया वो 10 लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया। व्लादिमीर, नो, बिफोर डैट द वन डैट किक्ड यू, वो जिसने तुम्हें ठोकर मारी थी, इज ही देयर,
क्या वो यहाँ पर है, क्योंकि उसको जख्म तो अभी भी है ना। एज लार्ज एज लाइफ, कहता वो ऐसे ही यहाँ मौजूद है जैस जिस तरह जिंदगी मौजूद है जेस्टर्स टूवर्ड्स लकी, लकी की तरफ इशारा करके बताता है फॉर द मोमेंट ही इज इनर्ट। इस लम्हे देखो बेचारे को कैसे इनर्ट बेहरकत भरा है, बट ही माइट रन ए मुक एनी मिनट, ए मुक पागलों की तरह भाग उठेगा किसी भी लम्हे। पोजो हेल्प, मेरी मदद करो एस्ट्रागो ने, एंड सपोज वी गिव हिम अ गुड बीटिंग द टू ऑफ अस, चलो आओ अभी तो वो गिरा पड़ा है ना, मौके का फायदा उठाते हैं ना, अभी उसे हम दोनों मार के आते हैं। ये हमारी इंसानी फितरत होती है कि जब कोई मुश्किल में होता है तो हम एक तो उसकी मदद नहीं करना चाहते, अगर मदद करना चाहते हैं तो हम उससे कुछ कंडीशंस कुछ फवायद चाहते हैं, और अगर किसी ऐसी शख्स को मुसीबत में देख लें जिसने पहले हमारे साथ कुछ बुरा किया हो तो हमें उसकी मुसीबत पर तरस नहीं आता, बदला लेने का शौक कर चढ़ जाता है। ये इसको बदला लेने का शौक चढ़ गया है। व्लादिमीर यू मीन इफ वी फेल ऑन हिम इन दिस इन हिज स्लीप, तुम चाहते हो कि हम उसकी स्लीप में जाके उस पर अटैक करें जब वो है ही नहीं बेचारा इस काबिल के वो हमें देखे हमारे अटैक को समझे, बेखबरी पे हम उस पर जाके हमला करें। एस्ट्रागन, यस हाँ ऐसे ही करना चाहिए, डैट सीम्स अ गुड आइडिया, ऑल राइट। व्लादिमीर को देखे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, व्लादिमीर वो व्लादिमीर तो हीरो है, बड़े बड़े उसको आइडिया आते हैं, लेकिन पार्ट टू में उसने उसको हीरो से क्या बना दिया। पार्ट वन में यू कैसे हीरो वाली बातें करने लगा हुआ था कि कैसे वो पादरियों ने चारों पादरियों ने देखा और चारों में से दो ने तो कुछ बताया ही नहीं, दो में से एक ने बताया, दोनों डैम्ड हो गए, दोनों थीफ्स मारे गए, और एक ने बताया कि जनाब नहीं एक थीफ मारा गया था, एक थीफ सेफ हो गया था, वो बच गया था, ये उसके वो पॉइंट ऑफ व्यूज थे। अब यहाँ पे कह रहा है डैट सेम अ गुड आइडिया, ऑल राइट अच्छा आइडिया बताया तुमने, चलो इसकी ठुकाई करते हैं, बट कुड वी डू इट, लेकिन क्या हम इसे मार पाएंगे, इसी रियली स्लीप, क्या वाकई वो सो रहा है। ये इसकी लॉजिकल बातें होती हैं कि अटैक करने से पहले हालात का जायजा ले लें, क्या हम ऐसा करने के काबिल भी होंगे। पॉज रुक जाता है, नो नहीं नहीं, द बेस्ट वुड बी टू टेक एडवांटेज ऑफ पोजोज कॉलिंग फॉर हेल्प, बेहतर ये है कि हम अपना बदला लेने के बजाय अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे जाके पोजो की मदद करें और पोजो से फायदा हासिल करें। पोजो हेल्प व्लादिमीर टू हेल्प हिम, उसकी मदद करते हैं तो हमें फायदा है, वी हेल्प हिम, हम दोनों उसकी मदद करें। व्लादिमीर इन एंटीसिपेशन ऑफ सम टैंजिबल रिटर्न, एंटीसिपेशन हमें होप होनी चाहिए, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि हमें इससे बड़ा टेंजिबल बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इनाम मिलने वाला है, रिटर्न वापसी में टेंजिबल रिवार्ड मिलेगा, टेंजिबल। एस्ट्रागन एंड सपोज ही, और अगर सोचो, एस्ट्रागन ने पहले भी डाउट्स डाले थे कि जगह ठीक है, ये मकाम ठीक है, ये बंदे ठीक है जिससे हम बात करने आए हैं, जब गोडो का इंतजार लास्ट एक्ट में कर रहे थे तो एस्ट्रागन का डाउट था, अभी भी एस्ट्रागन अपने डाउट का जो है वो बता रहा है कि मुझे तो अभी भी शक हो रहा है इस पर। व्लादिमीर की एक स्पीच आने वाली है, व्लादिमीर की इस स्पीच में कुछ पॉइंट्स हैं, और ये व्लादिमीर की जो स्पीच है ये इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से अक्सर और बेशतर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ भी जाता है। अब अगर हमारे रहनुमा गरीब हों तो कोई हल तो निकलता नहीं है, व्लादिमीर की अपनी कोई हैसियत तो है नहीं है, लेकिन व्लादिमीर की अब सोच अच्छी होने वाली है, कहता लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम इन द आइडल डिस्कोर्स, चलो इस बेकार गुफ्तगु में अपना टाइम ज़ाया ना करें। पॉज, रुक जाता है वायमेंटली, फिर पूरा जोर लगा कर शुरू करता है, लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ ना कुछ करते हैं, व्हाइल वी हैव द चांस, हमारे पास अब तो मौका है, इट इज़ नॉट एवरी डे डैट वी आर नीडेड, हर रोज़ हमारी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है किसी को, कोई हमें पुकारता भी नहीं मदद के लिए, नॉट इंडीड, नहीं दरअसल डैट वी पर्सनली आर नीडेड, दर हकीकत हमें ज़रूरत है मदद की, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हर रोज़ कोई हमसे मदद मांगता भी नहीं, इनफैक्ट तो हम ज़रूरतमंद हैं, अदर्स वुड मीट द केस इक्वली वेल, हाँ दूसरे जो मामले हैं वो कुछ और किस्म के मामले हैं, वो इससे डिफरेंट मामले हैं, ऐसा हो कि कोई और भी आके मदद कर सके, इफ नॉट बेटर, अगर ऐसा नहीं है टू ऑल मैनकाइंड दे विल ट्रस्ट, वो हम सारी मैनकाइंड जो है उससे ही बात करते हैं, दोज क्राइज फॉर हेल्प स्टिल रिंगिंग इन आवर ईयर्स, उनकी जो चीखो पुकार है वो भी तो हमारे कानों में बेल की तरह रिंग रही है, हमारे कानों में बेल की तरह बज रही है, जो लोग दूसरे मदद करते हैं, ये असल में जंग भी उन दिनों चल रही थी, बीमारियां भी थी, टेंशंस भी थी, बेरोजगारी भी थी, ये सारा वो मेंशन कर रहा है, बट एट दिस प्लेस, लेकिन इस जगह पर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इस लम्हे और वक्त में ऑल मैनकाइंड इज अस, हम ही तो इंसानियत हैं यहाँ पर बचे हुए,
इस पूरे बैरन एरिया में इसमें सिर्फ एक ट्री ही फिजिकल है, बाकी तो सब कुछ एक ट्विलाइट टाइम है, एक कंट्री रोड है, तो उसमें हम ही दोनों तो इंसान हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, अलबत्ता हमें पसंद आए या ना आए हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। चलो इसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं अपनी मौजूदगी का, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि लेट हो जाए, आए कोई और पोजो को उठा दे, पोजो की कोई और मदद कर दे और हमारा सवाब भी हमारे हाथ से जाए। लेट अस रिप्रेजेंट वर्डली फॉर वंस द फूल ब्रूड टू विच अ क्रूअल फेट कंसाइंड अस, लेट्स रिप्रेजेंट। चलो आओ ना जरा हम इस बात को मुजाहिरा करते हैं, आला मियार का मुजाहिरा करते हैं कि ये जो फूल ब्रूड है ना, बीमार और बदकार इंसान है, इन विच अ क्रूअल फेट, और उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जालिम शख्स भी है। असल में ये पोजो लास्ट टाइम तो इसको जालिम ही लगा है ना, इसको इतना अच्छा तो नहीं लगा, और अपने आप को भी ये कह रहा है कि हम भी कोई इतने अच्छे नहीं है। कंसाइंड अस, उसने हमें हिदमत का मौका दिया, ये क्रूअल फेट और ये इंसान जो बीमार है, फूल है, अभी पोजो की हालत ये है कि गिरा पड़ा है, लास्ट टाइम आया था तो बड़ा आकड़ू बना हुआ था, लेकिन अब कंसाइंड उसने इन्हें किया है अपनी जालिम किस्मत की वजह से कि अब मेरी मदद करो। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो? एस्ट्रागन सेज नथिंग, एस्ट्रागन का तो दिमाग ही नहीं चलता, उसने कुछ नहीं कहा, इट्स ट्रू, ठीक है, डैट वन विद फोल्डेड आर्म्स वी वेट द फोर्स एंड कॉन्स वी आर नोन एज अ क्रेडिट टू आवर स्पीशीज। एस्ट्रागन जवाब नहीं देता, कहता ठीक है ये सच है, चलो हमारे ये जो फोल्डेड आर्म्स हैं हम इससे वजन उठाते हैं, प्रोज एंड क्रोन्स सब मिलकर, हम अच्छाई या बुराई जो भी हमारे अंदर है उससे मिलाकर हम इसका वजन उठाते हैं, और ये जो स्पीशीज है हमारे जैसे एक इंसान ही है ना, तो इसका सहारा ले लेते हैं इसकी मदद करके, नॉट लेस देन, कोई इससे कमी भी नहीं हमारे होने वाली कि हमारा कौन सा कोई हिस्सा उतर जाएगा इसकी मदद करके। द टाइगर बाउंड्स, अब यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देने वाला है एक ऐसे टाइगर की जो बाउंड्स करता है, जो जंप्स करता है, टू द हेल्प ऑफ हिज कंजीनियर्स विदाउट द लीस्ट रिफ्लेक्शन, अपने दोस्तों की मदद करता है बगैर किसी सोच के, बगैर किसी रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन होता है थिंक करना, किसी भी किस्म के बगैर सोचे समझे, अगर कोई दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा दोस्त फटाफट जाकर उसकी मदद करता है, और एल्स ही स्लिंक अवे इनटू द डेप्थ ऑफ द थिकनेस, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो जंप करता है और वो बुशेस में घनी झाड़ियों में चला जाता है और वहाँ जाकर गायब हो जाता है। अपने आप को कह रहे हैं कि भाई जनाब हम, हो सकता है कि हम टाइगर की तरह जाएं, जाके इसकी मदद करें, और या फिर हम मदद करके जंप दूसरी तरफ लगा के झाड़ियों में छुप जाएंगे, अपनी एक एग्जांपल दे रहा है कि एक चीता भी तो आता है अपने दोस्तों की मदद करने के लिए, और या फिर वो झाड़ियों में खो जाता है, बट डैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, लेकिन हमारा तो ये मसला ही नहीं है, हम जानवर तो नहीं है ना, इंसान है, वी आर वट आर वी डूइंग हियर, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, डैट इज़ द क्वेश्चन, मसला तो ये है। एंड वट आर ब्लेस्ड इन दिस, और इस लम्हे हम पर क्या मेहरबानी हो रही है, डैट वी हैपन टू नो द आंसर, और हमें जवाब जानना है, येस इन दिस इमेंस कन्फ्यूजन, ये जो हम बड़ी गहरी किस्म की कन्फ्यूजन में फंसे पड़े हैं, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, परेशानी है, हम इसमें धंस चुके हैं, वी आर वेटिंग फॉर गोडो टू कम, और परेशानी क्या है कि हम गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए, इसके दौरान अगर हमें किसी की मदद करनी पड़ गई है तो क्या हो गया, निजात है ना गोडो इनके लिए, और वो गोडो अगर इंतज़ार कर रही हैं तो ये इंतज़ार कर रही हैं क्यामत का, मौत का, अपने इर्द गिर्द से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई गिरता है, कोई पड़ता है, कोई आता है, कोई जाता है, ये तो गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं, एस्ट्रागन कह रहा है। आगे से एस्ट्रागन ने पूरी उसकी बातें सुन ली, इसमें उसने अपनी फलसफी भी झाड़ दी, एस्ट्रागन कहता है आह मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या कह दिया इसने, पोजो हेल्प मेरी मदद करो, और फॉर नाइट टू फॉल, और शायद रात आ जाए, पोस रुक जाता है, वी हैव केप्ट अवर अपॉइंटमेंट्स, हमने तो अपनी जनाब ये जो अपॉइंटमेंट्स हमने बातें तय कर दी हमें वो पूरी करनी है, एंड दैट्स एन एंड, और यही एंड होगा टू डैट इसका, वी आर नॉट सेंट्स, हम कोई पादरी शादरी सेंट तो दरवेश तो है नहीं, इंसान हैं, गुनहगार हैं, हम कोई इतने ज़्यादा पाक साफ तो है नहीं, बट वी हैव केप्ट अवर अपॉइंटमेंट्स, लेकिन फिर भी हमने अपना वादा निभाना है, हाउ मैनी पीपल कैन बोस्ट एज मच, और कितने लोग होते हैं जो ऐसे ही डंडोड़े पीटते हैं, शोहियाँ मारते हैं कि भाई हमने अपने वादे बड़े निभाए हैं,
एस्ट्रागन बिलियंस, एस्ट्रागन ने फिर अपनी जिसे कहते हैं ना कि डोई फेर दी उसमें, कि बिलियन लोग हैं जो अब अपने वादे पूरे नहीं करते, लेकिन हम तो वादा पूरा कर रहे हैं अभी, कोई रोज़ नहीं आता, हम रोज़ाना आते हैं व्लादिमीर। यू थिंक सो, तुम सोचते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यू माइट बी राइट, तुमने ठीक ही कहा है पोजो, हेल्प, मेरी मदद करो पोजो। जनाब ये गिरे पड़े हैं, पोजो गिरे हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे से गुफ्त तशनीद करने लगे हुए हैं, जिसमें हमने देखी है व्लादिमीर की फलसफियाना बातें और एस्ट्रागन का आगे से उससे यस यस और नो नो में और आई डोंट नो में जवाब देना। व्लादिमीर, ऑल आई नो इज द आवर्स आर लॉन्ग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो व्लादिमीर का जो पीछे डायलॉग हम करके आए हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको पूरे ड्रामे का थीम दे देते हैं। ये कहता है कि भाई जनाब ऐसे लग रहा है कि टाइम बड़ा लंबा है, अंडर दिस कंडीशन इन हालात में एंड कॉन्स्ट्रेन अस टू बिगॉयल देम, उन्हें धोखा देते हैं ना, बिगॉयल करते हैं, धोखा देते हैं इन कॉन्स्ट्रेंस, ये जो परेशानियों ने हमें जकड़ा पड़ा हुआ है, हमें जकड़ा हुआ है, टू बिगॉयल देम और धोखा देते हैं हम उन परेशानियों को, विद प्रोसीडिंग विच आगे बढ़ते हैं, आगे हो भरते हैं, कार्रवाई करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म आ रहा है जनाब यहाँ पर, ये फॉलो करना चाह रहे हैं, प्रोसेस में आगे जाना चाह रहे हैं, चलो प्रोसीडिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ शैल आई से, मैं क्या कहना चाहूँगा, विच में एट फर्स्ट साइट सीम्स रीजनेबल, पहले तो बड़ी अक्लमंदी की बात लगती है, अनटिल दे बिकम हैबिट, बाद में तो वो आदत बन जाती है, पहले तो हम सोचते हैं। अब ये आपने देखना है कि ये हैबिट को ब्लेम करता है, पोजो टाइम को ब्लेम करता है, कहते हैं पहले हम नॉर्मल सी बातें करते हैं, फिर जो जल्दी नहीं उठना जी, फिर हम जल्दी उठने लग जाते हैं, वो अदना सी जो बातें होती हैं ना, वो जो स्मॉल सी थिंग्स होती हैं, वो बाद में हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। यू मे से तुम कह सकते हो इट इज़ टू प्रिवेंट आवर विजडम, से ये हमारी अक्ल को, हमारी वजूहात को रोकता है फ्रॉम फाउंडरिंग करने से, उनको नई दरियाफ्त करने से रोकते हैं, नो डाउट, कोई शक भी नहीं है इसमें, बट हैज़ इट नॉट लॉन्ग बीन स्टेयरिंग इन द माइट। स्टेयरिंग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर आवारा गर्दी कर रहे हैं, ये यहाँ पर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, कह रहा है कि इन द नाइट, इस रात में जो हम भटकते फिर रहे हैं, विदाउट द एंड ऑफ द अबिसल डेप्थ, अबिसल डेप्थ क्या है, गोताखोरों की तरह हम इस गहराई में जाते ही जाते हैं, इस रात में खो ही जाते हैं, इंतजार में धसे पड़े हैं, डैट्स व्हाट आई समटाइम्स वंडर, बाजू कब तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि हम करने क्या आते हैं यहाँ पर, असल में इस दुनिया में भी तो हम इंतज़ार में ही आ जाते हैं ना, दुनिया में आते हैं हम किस किस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं, तरक्की का, खुशी का, हालात के बदलने का। यू फॉलो माई रीजनिंग, कहता है तुम मेरी ये सारी वजूहात को समझते हो एस्ट्रागन, रेस्टिक फॉर वंस। अब एस्ट्रागन को तो इसकी इतनी सारी पॉइंट समझ नहीं आते, ये अब कहना चाह रहा था कि जनाब हम यहाँ पर आते हैं, इंतज़ार करते हैं अब, लेकिन वो इसको बातें समझ नहीं पाया, बट उसने आके उसे कह दिया बड़ी जहानत का मुजाहरा करते हुए, एस्ट्रैक्टिक कहता है, स्ट्रेस्टिक कहता है, We are all born mad, some remain. So, हम सारे के सारे पागल ही पैदा हो गए हैं और कुछ तो पागल ही रह जाते हैं, व्लादिमीर रह गया पागल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम कह सकते हैं कि एस्ट्रागन ने जितने डायलॉग्स बोले हैं उसने उनमें बहुत हिडन मीनिंग्स में सबको ही रगड़ा लगा दिया, पोजो हेल्प आई विल पे यू, चलें जी पोजो आ गया, इनकी नीयत समझ गया पोजो, कहता है तुम्हें पैसे दूंगा एस्ट्रागन, हाउ मच, कितने दोगे पोजो, 100 फ्रांस, ए 100 फ्रेंड्स दे दूंगा, इट्स नॉट इनफ, कोई नहीं काफी, आई वुडन गो सो फार स्टार्ट, वो अभी अपने पॉइंट पे फंसा हुआ है, व्लादिमीर का वही पॉइंट है कि मैं अभी कुछ ज्यादा आगे नहीं गया अपने पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे अभी आगे नहीं जाना, मैंने जितनी बातें कह दी है ना बस काफ़ी हैं, इस पॉइंट से आगे क्या जाऊँ और, किसी को समझ ही नहीं आनी। एस्ट्रागन, यू थिंक इट्स इनफ, तुम कहते हो कि ये काफ़ी है, ये हमें सो फ्रेंड्स, वो अब दूसरी बात कर रहा है, वो दूसरी बात करे, कहता है ये सो दे रहा है, ये काफ़ी है, कहता है नो आई मीन सो फार एज टू असर्ट डैट कि ज़्यादा आगे जाऊँ और तस्लीम कर लूँ डैट आई वॉज वीक इन द हेड, कि मैं जहनी तौर पर बड़ा कमज़ोर हूँ, कि मैं वीक हूँ, आई केम इन टू द वर्ल्ड, में दुनिया में आया, बट डैट्स नॉट द क्वेश्चन, लेकिन ये तो सवाल नहीं था, सवाल क्या था पोजो, 200, चलो जनाब 200 तुम्हें दे देता हूँ, अब वो आया है इस दुनिया में, लेकिन क्या कम अकल के तौर पर आया है, वो इस चीज़ को तस्लीम कर ले, किसी आने वाले मौके का फ़ायदा ही उठाए। अब व्लादिमीर अपने पॉइंट पे आना चाह रहा है कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, कहता है 200 देता हूँ व्लादिमीर, वी वेट वी आर बोर्ड, हम इंतज़ार कर रहे थे, हम बोर्ड हो गए, ही थ्रोज अप हिज हेड, अपना सर नीचे गिरा देता है, ऊपर को उठाता है, थ्रो अप्स, ऊपर को फेंकता है, नो नो
डोंट प्रोटेस्ट, नहीं एहतजाज ना करो, वी आर बोर्ड टू डेथ, हम तो मौत आने तक जो है ना ये हो गए हैं परेशान। अब ये याद रखना, वी आर बोर्ड टू डेथ ये हैडा ने भी कहा था, और हमने इसको और हैडा को दोनों को मिला नहीं देना। हैडा का भी यही डायलॉग है, इसका अंडरलाइन कर लें। हैडा भी कहती है जज ब्रैग से कि मैं मौत की हद तक जो है ना बोर हो गई थी। देर इज़ नो डिनाइंग इट, इसमें कोई इनकार नहीं है। गुड, ओके, डाइवर्शन कम्स अलोंग एंड व्हाट डू वी डू। डाइवर्शन हो जाती है जब इनके जो सोच है वो बिखर जाती है, फिर ये सोचते हैं कि हम करें क्या, हम क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे। वी लेट इट गो टू वेस्ट, तो हम अपने हाथ से ना मौका गवा देते हैं जब हमारी डाइवर्शन आ जाती है। कम दैट्स गेट टू वर्क, चलो आओ काम पे लग जाएं, मदद करते हैं इसकी। एडवांसेस टूवर्ड्स द हीप, ढेर की तरफ भरता है। स्टॉप इन हिज स्ट्राइड, और अपने वो जो चाल है ना उसको थोड़ा सा रोकता। स्ट्राइड इसकी वो चाल थी जो इसे लंबे लंबे स्टेप लेता था और सही चल नहीं पाता था। इन एन इंस्टेंट, एक ही लम्हे में वो All will vanish and we will be alone once more. एक ही लम्हे में पोजो लकी चले जाएंगे और हम दोनों अकेले फिर रह जाएंगे in the midst of nothingness. और रह कहाँ जाएंगे, nothingness के दरमियान रह जाएंगे, उसके ही सेंटर में होंगे, कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। पोजो 200, 200 ले लो और मुझे आगे उठाओ। व्लादिमीर, वी आर कमिंग, आ रहे हैं। ही ट्राई टू पुल पोजो, पोजो को खींचता है टू हिज फीट, उसके पैरों पर फॉल्स, गिर जाता है। ट्राइज अगेन, दोबारा कोशिश करता है, स्टेम्बल्स, दोबारा उसको उठाने की कोशिश करता है, दोबारा लड़खड़ा जाता है क्योंकि पोजो हैवी है ना, ज़रा उठाया नहीं जा रहा। फॉल्स, ट्राइज टू गेट अप, फॉल्स, फिर उठाता है, फिर गिरता है, फिर उठाता है, और फिर ऐसा गिरता है कि खुद ही गिर जाता है। एस्ट्रागोन, व्हाट्स द मैटर विद यू ऑल, सारे के सारे को हो गया क्या, जो भी आता है गिर जाता है, जो भी आ जाए गिर जाता है। अब हो गया व्लादिमीर के गिरने का टाइम, व्लादिमीर गिर गया, हेल्प मांग रहा है व्लादिमीर, एक्सचेंजिंग हो गई है पेन्स की। किसके पास थी पेन, थी पोजो के पास, अब आ गया व्लादिमीर, व्लादिमीर भी उधर ही गिर पड़ा है। एस्ट्रागोन, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ बाबा, तुम सारे गिरते गिरे पड़े से लोगों में नहीं उठाने वाला। व्लादिमीर, डोंट बिलीव मी, मुझे छोड़ के मत जाओ, दे विल किल मी, ये तो मुझे मार डालेंगे कि हमने इनके साथ ब्लैकमेलिंग करके मदद की है। पोजो, वेयर है माई, मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि वो पोजो थोड़ा सा खड़ा हो गया, व्लादिमीर शायद गिर गया। व्लादिमीर, गो गो पोजो हेल्प, नहीं पोजो भी गिरा ही हुआ, पोजो कह रहा है हेल्प, मेरी मदद करो व्लादिमीर, हेल्प, दोनों हेल्प मांग रहे हैं। एस्ट्रागोन, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ व्लादिमीर, हेल्प मी फर्स्ट, पहले मेरी मदद करो, देन डू वी विल गो टुगेदर, फिर हम दोनों ही जाते हैं, प्रोमिस करो। एस्ट्रागोन कहता है, एस्ट्रागोन ब्लैकमेल व्लादिमीर को कह रहा है, प्रोमिस करो कि हम दोनों जाएंगे दोबारा, कभी नहीं कि हाँ आएंगे व्लादिमीर, आई स्वेयर इट, मैं को तुमसे वादा करता हूँ एस्ट्रागोन, एंड वी विल नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आएंगे, नेवर, कभी नहीं आएंगे एस्ट्रागोन, वी विल गो टू द फ्रांसिस, और हम फ्रांसिस में चले जाएंगे, ये किसी इलाके का नाम ले रहा है, फ्रांस में कहते हैं हम चले जाएंगे, उस इलाके में जाके रहेंगे। ये अब मुश्किल आ गई ना व्लादिमीर पर, तो अब ये अपनी बातें मनवाने लग गया उससे, जो वो इसकी बातें मानता नहीं, कहता वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम कहोगे ना वहीं चले जाएंगे। एस्ट्रागोन, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू वॉन्डर इन द फ्रांस, मैं तो हमेशा ही फ्रांस जाना चाहता था, फेरियंस जाना चाहता था, उस इलाके को देखना चाहता था। व्लादिमीर, यू विल वॉन्डर इन दम, तुम जाओगे ना वहाँ पर, तो तुम जाके उनमें खो जाओगे, यू विल वॉन्डर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम उनमें खो जाओगे। एस्ट्रागोन रिकॉइलिंग, हु फर्टेड, ओह किसने गैस छोड़ दी, दोनों गिरे हुए हैं, अब उसको स्मेल आई है, कहता कि हु फर्टेड, किसी ने गैस छोड़ दी है। अब पोजो, व्लादिमीर कहता है पोजो 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 ने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया। ब्लेमिंग टू ईच अदर, जब हम कोई काम देखते हैं कि गलत है तो दूसरे पर ब्लेम फटाफट कर देते हैं। पोजो, हियर हियर पिटी, हाँ हाँ यहाँ मैं यहाँ, आओ मुझ पर रहम खाओ, मुझे उठाओ। एस्ट्रागोन, इट इज़ रिवोल्टिंग, कहता है ये क्या, इससे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ये बड़ा ही बुरा किस्म का है, कि स्मेल बड़ी बुरी आ रही है, जाऊँ किसके पास, उसमें से भी तो स्मेल आती है, व्लादिमीर के मुँह से आती है, एस्ट्रागोन के पैरों से आती है, और पोजो को भी तो प्रॉब्लम ही है, अब पोजो की स्मेल इन्होंने डिस्कस अभी नहीं की। एस्ट्रागोन कह रहा है बड़ी काबिल नफरत बात हो रही है व्लादिमीर, क्विक जल्दी करो, गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। एस्ट्रागोन, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। पॉज, लोडर, लोडर बोलता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ व्लादिमीर, विल वेल आई सपोज इन द एंड आई विल गेट अप बाय माई सेल्फ, अब मैं सोचता ये हूँ कि मैं अपने आप ही क्यों ना खड़ा हो जाऊँ। He tries, falls, कोशिश करता है, गिरता है, in the fullness of time, और जब असल में बताना ये चाह रहा है कि उसको किसी ने नहीं उठाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना
पोजो भी अपनी मदद आप करे और व्लादिमीर भी अपनी मदद आप ही करना चाह रहा है। कहता मैं कोशिश करता कि मैं वक्त गुजरने के साथ ना अपनी मदद खुद करूँ। कहता व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें हो क्या गया, मसला क्या? कहता गो टू हेल, जाओ जहन्नुम में जाओ, मेरी मदद नहीं ना कर रहे थे तुम एस्ट्रागन, जाओ एस्ट्रागन। आर यू सेइंग स्टेइंग देयर, क्या तुम यहीं ठहरोगे, तुम नहीं जाओगे जहन्नम में मेरे साथ व्लादिमीर, फॉर द टाइम बिंग, कुछ लम्हे के लिए एस्ट्रागन, कम ऑन गेट अप, चलो खड़े हो जाओ, यू विल कैच अ चिल, चलो आओ तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसको पहले भी था जब ये कैच अ चिल इसको कह रहा और इसने उसको कहा था कि आपको निमोनिया हो जाएगा, बैठ जाए प्लीज, जब पोजो ने लास्ट एक्ट में कहा था व्लादिमीर डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में परेशानी की जरूरत नहीं है, कम ऑन डीडी डोंट बी पिग हार्टेड, इधर आओ और हमें बेवकूफ ना बनने की कोशिश करो। ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, वो अपना जो हैथ है उसकी तरफ फैलाता है कि चलो जी ये मेरे हाथ को खींचे और ऊपर आ जाए। व्लादिमीर मेक्स हैस्ट टू सीज, वो जल्दी से उसे पकड़ता है, व्लादिमीर पुल और व्लादिमीर खींचता है, एस्ट्रागन पुल्स स्ट्रैम्बल्स फॉल्स, लॉन्ग साइलेंस चैलेंज, अब एस्ट्रागन भी गिर जाता है, चारों गिरे पड़े हो गए। अपोजो हेल्प व्लादिमीर, वी आर अराइव्ड, हमारे अपोजो, हु आर यू, तुम कौन हो व्लादिमीर, वी आर मैन, हम इंसान हैं और हम कौन है, ये सारी गिर गए अब यहाँ पर साइलेंस। एस्ट्रागन स्वीट मदर अर्थ, हाय हाय जमीन पे लेट के कह रहा हमारी धरती माँ। व्लादिमीर कैन यू गेट अप, क्या तुम खड़े हो सकते हो? एस्ट्रागन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता व्लादिमीर, ट्राई कोशिश करो। एस्ट्रागन नो 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 नॉट नाउ नॉट नाउ, वो तो पहले बड़ा सुस्त है, लेटने का मौका मिला, अब लेटेगा तो सो जाएगा। पोजो व्हाट हैपन, क्या हुआ है, क्योंकि अंधा है ना उसे पता नहीं है। व्लादिमीर वायलेंटली, विल यू स्टॉप इट, क्या तुम इसे चुप करवाओगे, यू बेस्ट, तुम जो कीड़े मकोड़े से हो, तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम ही लगी हुई है कि क्या हो रहा है, अंधों को क्या मसला होता है। अंधे यही कहते हैं ना कि जनाब हमें पता लगे, हमें हालात बता दो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर इसने जो स्पेलिंग है, ही थिंक्स ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, ये ही का जरा वो मिक्स हुआ हुआ है एक इसका पॉइंट। अब कहता है कि ये सिर्फ किसके बारे में भी नहीं सोचता, ये बस अपने बारे में ही सोचता, ये किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता। ही थिंक्स, ही कैन थिंक ऑफ नथिंग, किसी के बारे में नहीं सोचता बट हिमसेल्फ, और ये हमें पता है कि पोजो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, पोजो किसी के बारे में नहीं सोचता था। ये ही जो है थोड़ा सा मीठा हुआ है। एस्ट्रागन व्हाट अबाउट अ लिटिल स्नोज, चलो जा स्नूज कर लेते हैं, थोड़ी सी नींद की झपकी ले लेते हैं। मैंने बताया था ना कि ये इसको नींद की आदत है, फौरन इसको सोने का ख्वाब आने लगा। व्लादिमीर डिड यू हियर हिम, क्या तुमने उसे सुना? ही वांट्स टू नो व्हाट हैपन, तुम जानते हो, जो जानना चाहता है कि हो गया रहा है, हम दोनों भी गिर गए। एस्ट्रागन डोंट माइंड हिम, बुरा ना मनाओ, स्लीप, सो जाओ सो जाओ। साइलेंस, पोजो पिटी पिटी एस्ट्रागन विद अ स्टार्ट, एकदम से झटका लेता है, व्हाट इज इट, क्या था ये? व्लादिमीर वेयर वर यू स्लीप, क्या तुम सो गए थे, यानी तुम गिरे तो क्या तुम्हें नींद आ गई थी? एकदम से उसे नींद आ जाती है ना। लास्ट एस्ट्रागन आई मस्ट हैव बीन, हाँ मुझे सोना चाहिए, मुझे नींद आनी चाहिए, आई मस्ट हैव बीन, सो ही गया था शायद मैं। व्लादिमीर इट्स दिस बास्टर्ड पोजो एट इट अगेन, और ये जो बदतमीज किस्म का पोजो है ना, ये दोबारा आ रहा है और रो पिट रहा है और हमारी नींद खराब कर रहा है। एस्ट्रागन मेक हिम स्टॉप इट, चलो उसे स्टॉप करते हैं, किक हिम, मारते हैं किक इन द क्रॉच, उसके पेट में एक टांग मारते हैं ना, चुप कर जाएगा व्लादिमीर। अब व्लादिमीर कहता है स्ट्राइकिंग पोजो, पोजो की तरह उसको चूंकि गुस्सा आ गया ना, उसको मारते हुए दूर से मार रहा है उसे, विल यू स्टॉप इट, क्या तुम ये बंद करोगे? कार्बोलियस, अब उसे गालियां बक रहा है कि तुम ये अपनी बकवास बंद करोगे। कार्बोलियस पोजो जो है ना, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। पोजो extricates himself with cries of pains and crawls away, अब वो अपने आप को दिखाता है कि सारे गिरे पड़े हैं, वो नीचे लड़की गिरा, ये पोजो गिरा, ये ऊपर व्लादिमीर और फिर उसके ऊपर एस्ट्रागन आके गिर गया। अब वो पोजो को कह रहा है कि क्या तुम चुप करोगे, वो तो दर्द से बेचारा और भी परेशान हो जाएगा ना। अब उस पर जरासीमो वाली उसको गालियाँ दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मदद ना करें और मज़ीद उसको दर्द देने की कोशिश कर रहे हैं। व्लादिमीर प्रॉब्ड ऑन हिज एल्बो, अपनी एल्बो पे आके जरा थोड़ा सा वजन डालता है, अब्सॉर्ब्ड हिज रिट्रीट और अपनी फिर रवैये को देखता है, ही इज ऑफ, कहता है कहीं ये ना हो कि वो चला ही जाए। पोजो जो है वो चुके जाता था नहीं, पोजो क्लॉपसिस गिरता है, धरम धरम से वो हाथ पाँव मार रहा होता है, ही इज डाउन, क्या वो नीचे ही है? एस्ट्रागन व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें? व्लादिमीर Perhaps I could crawl in on him. चलो मैं थोड़ा सा रिंग के ना इधर उधर हो जाता है। एस्ट्रागन डोंट लीव मी, मुझे छोड़ के मत जा व्लादिमीर, और आई कुड कॉल टू हिम, और चलो इसको आवाज़ देते हैं
या बुलाते हैं एस्ट्रागोन, यस कॉल टू हिम, आवाज दो उसे व्लादिमीर, पोजो, साइलेंस, पोजो, साइलेंस, नो रिप्लाई, कोई जवाब ही नहीं आता। एस्ट्रागोन टुगेदर, दोनों मिलकर जवाब देते हैं, एस्ट्रागोन और व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, पोजो, पोजो, पोजो का जवाब नहीं आता। व्लादिमीर ही मूव्ड, वो हरकत करता है, हरकत कर गया है, यहाँ से चला गया है एस्ट्रागोन। आर यू श्योर हिज नेम इज पोजो, पहले यकीन कर लो कि उसका नाम पोजो है। अब एक और डाउट, एस्ट्रागोन ने क्या डाउट किए थे, प्लेस का डाउट किया था, टाइम का डाउट किया था, पर्सन का डाउट किया था, अपॉइंटमेंट का डाउट किया था, अब कह रहा है कि डाउट ऐसे पोजो के नाम पर भी, क्या उसका नाम पोजो ही है। व्लादिमीर अलार्म्ड, एकदम से उसको झटका सकता है, मिस्टर पोजो कम बैक, वी वॉन्ट हर्ट यू, मिस्टर पोजो वापिस आओ, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे, कहाँ तुम क्रॉल करते करते रिड़ते रुलाते चले गए हो, वापिस आओ हमारे पास, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। खामोशी छा जाती है एस्ट्रागोन, और अभी तक तो ये उसकी मदद कोई कर नहीं रहे थे, अभी तक तो वो तकलीफ में मुबतला कर रहा था, चिल्ला रहा था, अभी उसे कह रही हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। एस्ट्रागोन, वी माइट ट्राई हिम अदर नेम्स, दूसरे नाम से पुकारते हैं व्लादिमीर, आई एम अफ्रेड ही इज डाइंग, मुझे लगता है कहीं वो मर ही तो नहीं रहा है, इट वुड बी अम्यूजिंग, आता मर जाए हमें क्या लगे, हमारे लिए तो अम्यूजमेंट होएगी व्लादिमीर, व्हाट वुड बी अम्यूजिंग, क्या अम्यूजमेंट होएगी तुम्हारे लिए एस्ट्रागोन, टू ट्राई हिम विद अदर नेम्स, नहीं अम्यूजमेंट ये नहीं कह रहा कि मर जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके दूसरे नाम से पुकारेंगे तो ये बड़ी अच्छी फन की बात होगी, वन आफ्टर द अदर, एक से बाद दूसरा नाम लेते हैं हम, इट वुड पास द टाइम, ये भी एस्ट्रागोन के ही काम है, ये वक्त गुजारने के लिए कुछ भी करना चाहता है, कब तो चलो ये वक्त गुजरेगा, एंड वी वुड बी बाउंड टू हिट ऑन द राइट वन सूनर और लेटर, और जल्द ही हम देख लेंगे कि इसका नाम क्या है, हमें ये पता चल जाएगा और हम इसको इसके असली नाम से पुकार लेंगे। अब उसका नाम लेने वाला है, नाम उसका अपना नाम ये क्या बताना है, जब पोजो लास्ट टाइम इससे इसका नाम पूछते ये कहता है मेरा नाम एडम है, जनाब मैं एडम हूँ, अभी वो पोजो को भी हबील और कबील के नाम से पुकारने वाला है, और ये उसके रेफरेंसेस हैं, बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, अब बिब्लिकल रेफरेंसेस का क्वेश्चन होता है तो हम बता सकते हैं कि भाई जनाब इसने पोजो ने भी अपना नाम बाइबल वाला ही बताया है और उनका भी नाम वही लेने वाला है। कहता है अब नाम दूसरा लेते हैं, व्लादिमीर कहता है आई टेल यू हिज नेम इज पोजो, उसका नाम पोजो है, कहता है वेल वी विल सून सी, देखते हैं, ही रिफ्लेक्स सोचता है, अबेल अबेल, पोजो कहता है हेल, एस्ट्रागोन गॉट इट इन वन, देखो एक ही आवाज में उसने जवाब दे दिया, तुम पोजो पोजो करने लगे हुए थे, हम सारे जवाब ही नहीं दे रहा था। व्लादिमीर आई बिगेन टू वरी ऑफ दिस मोटिव, कहता है अब मैं तो इस किस्म के मोटिव से थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ इस किस्म की बातों से कि ये इसने ऐसा किया क्यों, उसका नाम तो वही था लेकिन इस मोटिव पे आके इसका क्या मकसद हो गया। अब असल में बताना ये चाहते हैं कि नाम की ना कोई हैसियत है, कोई नहीं, इंसान के काम की हैसियत होती है, इंसान के नाम की कोई हैसियत नहीं होती, जो वो काम करते हैं ना उससे उसकी हैसियत बनती है। एस्ट्रागोन परहैप्स द अदर इज कॉल्ड केन, केन कहता चलो दूसरा नाम लेता हूँ, केन कहता हूँ इसे, काबिल का इंग्लिश नेम केन, हाबिल का एबिल, पोजो फिर कहता है हेल्प, मेरी मदद को, एस्ट्रागोन हिज ऑल ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत ही इसमें घुसी पड़ी है, सारे इंसानों के नाम इसी के पास है, साइलेंस चुप हो जाता है, लुक एट द लिटिल क्लाउड, और देखने लग जाता है क्लाउड पर, लेटा हुआ है ना, लेट के सीधा होकर क्लाउड्स को देखने लग जाता है। व्लादिमीर रेजिंग हिज आइज, उसकी अपनी आंखें उठाता है और उसको कहता है कि कहाँ है, कहाँ है वो छोटा सा क्लाउड जो तुम देख रहे थे, अभी तुम क्लाउड देखने लगे हो, तो किधर है वो क्लाउड। एस्ट्रागोन देयर इन द ज़ेनिथ, इधर आओ ना, इधर है ऊंचाई पर, यहाँ पर ऊंचाई पर है वो जो छोटा क्लाउड मैंने देखा है वो ऊंचाई पर है। व्लादिमीर वेल पोज, वेल अच्छा यहाँ पर है, चुप कर जाता है। व्हाट्स देयर सो वंडरफुल अबाउट इट, इसके बारे में इतनी हैरानगी की क्या चीज, साइलेंस चुप कर जाते हैं। एस्ट्रागोन लेट्स पास ऑन नाउ टू समथिंग एल्स, डू यू माइंड, कहता है चलो अब हमें कोई और मौका मिल गया वक्त गुजारने के लिए, एक और टॉपिक मिल गया, बातें करते हैं बादल के ऊपर। व्लादिमीर आई वॉज जस्ट गोइंग टू सजेस्ट इट, मैं भी यही कहने लगा था चलो गुफ्तगू अब ये शुरू करते हैं, बट टू व्हाट, लेकिन क्या कहने वाले थे तुम। व्लादिमीर आह भूल गया, इतनी देर में भूल गया कि मैं कहने क्या वाला था, अभी इसने बादलों का नाम लिया अभी भूल गया। एस्ट्रागोन सपोज वी गॉट अप टू बिगेन विद, चलो हम कोशिश करते हैं हम इसे शुरू करते हैं। व्लादिमीर नो हार्म ट्राई, ठीक है कोशिश करो, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अगर हम कहीं से भी टॉपिक शुरू कर लेते हैं तो इसमें से हमें कोई प्रॉब्लम लगती भी नहीं है। दे गैट अप, खड़े हो जाते, अब जो ही वो खड़े हो गया ना, ये दोनों अपनी विल पावर से खड़े हो गए हैं और अपनी पावर से खड़े होकर इन्होंने बता दिया है कि हमारा अपना रेजोल्यूशन, हमारी अपनी स्ट्रगल, हमारी अपनी डिस्कशन और हमारी अपनी कोशिश ही हमारे काम आती है। दे गैट अप से हम इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे और फिर
इसका ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वर्जन हम इसका लास्ट करें और इसको फिनिश कर दें. थैंक्स अ लॉट. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. अल्लाह हाफिज. एंड सी द लिंक्स विच आर कमिंग ऑन द स्क्रीन एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.